इस दुनिया में हर कोई एक्शन कर रहा है, कोई ऑफिस की मीटिंग्स में कर रहा है, तो कोई दिल्ली की मेट्रो में ही कर रहा है, कोई डांस करते हुए कर रहा है, तो कोई शादी करते हुए कर रहा है। बड़ों बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूँ भाइयों। क्या हाल चाल दोस्तों, मैं रिव्यू रमेश और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो इसी एक्शन की परंपरा को आगे बढ़ा रही है, और फिल्म टाइटल्ड एक्सट्रैक्शन, जिसके डायरेक्टर हैं सैम हारग्रेव, जो फिल्म्स डायरेक्ट करने से पहले मार्वल मूवीज में कैप्टन अमेरिका के स्टंट डबल बनते थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक्सट्रैक्शन है एक ऐसी फिल्म जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ ने हथौड़ा छोड़ के अपना ली है बंदूक। हम चेंज हो गए। और एक ऐसी फिल्म जिसने अभिषेक बच्चन की फिल्म रावण से चुरा लिया है स्टंट। ये गलत है। फिल्म की कहानी है काफी सिंपल। क्रिस हेम्सवर्थ बने हैं एक ऐसे किराए के गुंडे जिसको काम मिलता है एक इंटरनेशनल डॉन के बेटे को किडनैपर से छुड़ाने का। जिसके बाद वो सलमान भाई से बस चलाना सीख के निकल पड़ते हैं उसे बचाने, पर यहाँ हो जाती है गड़बड़ और अब क्रिस और वो बच्चा दोनों बचा के भाग रहे हैं अपनी जान। अरे पूरा शहर लॉकडाउन में तो आएगा ही दीदी, मोदी जी की स्पीच नहीं सुनी थी क्या? कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर भैया गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म में क्रिस का काम है बच्चे को बचाना, मगर फिर भी वो उसे पहले चलते ट्रक से धक्का देते हैं और जब वो बच जाता है तो उसे छत से नीचे फेंक देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? फिल्म की कहानी सेट है इंडिया और बांग्लादेश में, पर इंडिया और बांग्लादेश में अमेरिकन पुलिस की गाड़ियां कहां से आ गई भाई? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ के अलावा हैं कई बॉलीवुड एक्टर्स भी, जैसे कि रणदीप हुड्डा जो बालों में डालडा लगा के घूम रहे हैं, और पंकज त्रिपाठी जो ट्रेलर में सिर्फ आधे सेकंड के लिए दिखाई देते हैं। तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए? ऊपर से भैया पूरी फिल्म को हो रखा है जॉन्डिस, तभी तो आधी ज्यादा फिल्म पीली है। फिल्म में मचा है बहुत बवाल, पर मन में उठे कई सवाल, जैसे कि क्या क्रिस हेम्सवर्थ पानी के नीचे योगा करना बंद कर पाएंगे? ये जोरदार काम देखा पहली बार। क्या वो फिल्म के एंड में वापस अपना हथौड़ा उठाएंगे? क्या फिल्म खत्म होने तक वो वापस फैल जाएंगे? ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। देख लेना भैया, क्योंकि फिल्म अगर निकली बेकार तो ऑडियंस का होगा एक ही रिएक्शन। दिस इज रिव्यू रमेश साइनिंग ऑफ। एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नई रिव्यू के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।